1926 में आज ही के दिन सत्य साई बाबा का जन्म आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी गांव में हुआ था। सत्य साई बाबा भारत के आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके असंख्य अनुयायी हैं। 24 अप्रैल 2011 को एक लंबी बीमारी के बाद बाबा ने चिर समाधि ले ली। वहीं सत्य साई को प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु शिरडी के साई बाबा का अवतार भी माना जाता है। सत्य साई बाबा की पहचान एक गायक के रूप में भी हुई थी और उनके भजनों की कई सीढ़ी भी आईं। सत्य साई बाबा के अनुयायियों ने 1944 में पुट्टपर्थी में एक छोटा मंदिर बनवाया और 1950 में एक विशाल आश्रम बनाया गया जो प्रशांति निलयम के तौर पर उनका स्थायी केंद्र बन गया। १९३७ में आज एक दिन भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ था। बोस भारत के प्रसिद्ध भौतिकविद तथा पादप क्रिया वैज्ञानिक थे। जगदीश चंद्र बोस ने कई किताबें भी लिखी हैं। सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य और अपवर्तन विवर्तन और ध्रुवीकरण के विषय में अपने प्रयोग के लिए लघु तरंग धैर्य रेडियो तरंगों और श्वेत और पराबैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गैलेना क्रिस्टल का प्रयोग बोस के द्वारा ही विकसित किया गया था। मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से घंटी बजाकर बारूद में विस्फोट कराया था। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। १९८३ में आज ही के दिन देश में पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यह राष्ट्रमंडल देशों का 7वां शिखर सम्मेलन था। इसकी अध्यक्षता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। यह सम्मेलन 29 नवंबर तक चला जिसका समापन गोवा में हुआ। सम्मेलन में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका द्वारा ग्रेनाड पर हमला करना, दक्षिण अफ्रीका और क्यूबा की सेना द्वारा नामीबिया पर कब्जा करना और अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा। १९८४ में आज एक दिन लंदन के वेस्टम ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन पर भीषण आग लग गई थी। आग लगने से करीब 1000 लोग फंस गए थे। हालांकि स्टेशन पर आपातकालीन सेवा तुरंत पहुंचने से किसी की मौत नहीं हुई थी, पर कुछ लोग जख्मी हो गए थे। भूमिगत स्टेशन पर लगी आग की वजह से संपत्ति का काफी नुकसान हुआ था। माना जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग की वजह से सुरंग में मीलों तक धुआं फैल गया था। और 1996 में इथियोपिया के एक अपहृत विमान का ईंधन समाप्त होने पर वो हिंद महासागर में जा गिरा। इस विमान में चालक दल सहित कुल 175 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 100 लोग मारे गए थे। यह हादसा कोमोरो द्वीप समूह से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुआ था। घटना की जानकारी होते ही वहां मौजूद पर्यटक और द्वीपवासियों ने तत्परता दिखाते हुए 50 लोगों को दुर्घटनाग्रस्त विमान से सुरक्षित बचा लिया, जिनमें 2 अपहरणकर्ता भी शामिल थे। दरअसल इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 767 विमान अदिस अबाबा से नैरोबी जा रहा था और रास्ते में 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के 4 घंटे बाद ही विमान में ईंधन खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो गया।